कि बिचारी, यू नो द वर्ड बिचारी, कैसे सरवाइव करेगी बिचारी, छोटी सी यंग में एज में कैसे जिंदगी गुजारेगी. तो ये बिचारी वर्ड एक्चुअली जब मैं सुनती थी तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे चीज थी. ये लेबल मैंने बिचारगी का जो है वो अपने ऊपर नहीं लगाना. किस जिनके जाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है. तो ये सोचना जी लोग क्या कहेंगे और आपके बारे में, इस चीज की कोई लॉजिक नहीं है. आपको पता है कि अगर आप सही हो जिंदगी में तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं. डरने को उसको जरूरत होती है जो गलत करता है. अपने फैसले खुद करें और सही टाइम पे करें, कि जो भी आपने फैसला करना है और जिस टाइम पे भी करना है आपने खुद करना है अपनी जिंदगी का. आप कोई गलत डिसीजन लेते भी है ना, या कुछ आपसे गलत हो भी जाता है, तो आप उसकी जिम्मेदार खुद है. यू डोंट ब्लेम एनीवन. जिंदगी में रोना आपको हमेशा उस बंदे के लिए आता है जो आपसे बहुत प्यार करे, आपकी केयर करे, जो आपको कुछ समझे. जो वो बंदा आपको वैल्यू नहीं देता, उसकी लाइफ में आप कहीं खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं करते, उसके लिए क्या रोना है. मेरा पॉइंट तो ये है. मेरी बच्चियों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि मामा वाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों क्यों. तो उनको मैंने यही बताया था बेटे कि जिंदगी में इस क्यों का जवाब कभी नहीं मिलता. और कि आप एज अ वुमन, एज अ औरत, एज अ बेटी, एज अ बहू जो कॉपरेट, आपको ज्यादा करना है. औरत का काम है कॉपरेशन. आपको अपनी फुल देनी चाहिए ससुराल में, अपने हस्बैंड को, अपनी जो भी आपकी फैमिली है. लेकिन पानी सर से गुजर जाता है, देन अगर कोई चीज आपके बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई है तो आपको टॉयलेट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं. ये तो इस्लाम में भी ये चीज है कि आपको किसी की ज्यादती बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है. और उसमें तब आपने यू हैव टू सर्वाइव इन योर लाइफ एज अ मदर या एज अ जो भी आपने जैसे सर्वाइव करना है, तो आपने हिम्मत हिम्मत पेशेंस पॉजिटिविटी बोल्ड ब्रेव ये चीजें अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में रखेंगे तो आप सारी जिंदगी बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं. आपकी बेटियां आप ही ने पाली हैं और आप ही ने बड़ी की हैं, और ये आप ही को चाहिए कि इनकी हर खुशी और हर गम में आप उनका साथ दें. और फादर की एज अ फादर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ मदर भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको उसकी हेल्प करें, उनको हिम्मत दें. मैं ये डालें ये चीज कि नहीं बेटा आप सर्वाइव कर सकते हो, जिंदगी खत्म नहीं हो गई. यही मैसेज मैं इनके पेरेंट्स को और फादर मदर जो भी सिस्टर ब्रदर के बच्चियों को बोझ मत समझें.